हिंदी साहित्य का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आज का घटक है कृतिकाल, उसमें भी नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने आचार्य केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। काव्यशास्त्र के नियमों पर आधारित जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। केशवदास रीतिबद्ध कवि है, बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि है, जॉर्ज ग्रेयर्स ने रीतिकाल का नामकरण रीति काव्य किया है, मिश्रबंधुओं ने रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल किया है, रीतिकाल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है रीतिकाल किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल किया है, त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा इस प्रकार रीतिकाल का नामकरण किया है, शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने रीतिकाल को भौतिकवादी साहित्य कहा है। ये नामकरण का पहला यूनिट है, देखें ध्यान में रखें। धन्यवाद।